टीचर्स तो होते ही हैं, मैं टीचर रहा हूँ, आई टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज बोथ, यू नो। एंड उसने अगले दिन वेरी पुअर लिख दिया। टीचर तो महान है, मेरे जैसा ही होगा, वेरी पुअर। अब मैंने कहा अब इसका क्या मतलब है, पुअर तो समझ गया, क्योंकि समझा नहीं था, उन्होंने एक नालायक एक तर्जुमा उसका कर दिया ना, हिंदी में बता दिया नालायक। वी डॉट पुअर लिखता है, तो उसने कभी मेरे को भी समझ नहीं, वी मीन विक्ट्री है क्या है। फिर मैं क्या मम्मा के पास जाऊंगा, पापा है ना, फिर लगा पापा मम्मी नहीं पापा के साथ, पापा ज्यादा इंटेलिजेंट है, और पापा के साथ जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी ऐसी रहेगी, है ना, थोड़ी सी कहीं से भी वो स्काईलैब आ जाएगा। तो पूछ रहे कि पापा ये वेरी पुअर मिला है, इसका क्या मतलब है। तो पापा ऐसे ही देख रहे हैं ना, थॉटफुल, शमी कपूर जैसा तो होता, अक्षय कुमार जैसा तो होता, स्मार्ट तो होता, तेरा दहेज ही मिल जाता, मुझे तो नहीं लगता तू कुछ करने लायक है, किसी भी लेवल पे है ना, ये तेरे घुंघराले बाल, ये तेरा जो भी कद काट है, तो मुझे लग नहीं रहा कि मुझे कोई खास बेनिफिट, और जो पढ़ाई लिखाई पे तो तू अब जैसे सरदार जी है तो चलो हैंडसम है, देखो पीछे है ना, उसके लिए फिर भी लगता है कि चल ठीक है यार, मुंडा कुछ तो आप कुछ तो करांगे ही, है ना, समटाइम कोई कभी वो जैन उस वेले आंदी सी ना कार, कोई मारुति या जो भी उस वक्त फिएट था, है ना, तो अभी वो चल ही रहा था तो पीछे से दादाजी आ गए ना, ग्रैंडफादर, कितनी ब्यूटीफुल देखो एनेक्डॉट है ये, कहता बेटा इधर आ जाइए, तेरा बाप नहीं मैं बताऊंगा, ये क्या बताएगा, इससे कुछ बताया गया आज तक, मैं बताऊं बेटा। और मैंने अक्सर अपने अपने ही फादर को, अपने ही फादर के हाथों अक्सर ये सारे अल्फाज, है ना, नलायक, बेवकूफ, तुझसे हुआ क्या है, है ना, एक औरत तो संभली नहीं, मतलब सिंपल, ये बिल्कुल मैं, आई ऑलवेज वर्क फ्रॉम द, मुझे बहुत बड़ी बातें नहीं करनी आती, बहुत प्रैक्टिकल सिंपल जो हमारे घरों में रोज हो रहा है, तो उसको बेटा ऐसा है, इसका मतलब है तू तो नलायक्स है, तेरा बाप जिसने पैदा किया तेरे से बड़ा नलायक। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरी पुअर, यानी कि वेरी पुअर इज फॉर हिम एंड पुअर फॉर यू। सो आई वाज जस्ट गोइंग बैक, मैंने कहा दादाजी इफ ही इज नलायक, आई एम नलायक, देन व्हाट अबाउट यू, यू नो। सो और उसके बाद जोश की धुनाई हुई टाइम, because we always see these things, charity begins at home, ghar se hi to shuruaat hoti hai hamari personality ki, hamare character, isn't it? Main ye kehta hu ki today I am, and who is responsible? So bilkul clearly ye sab bade bade vidwan jo hue hain aur mera apna jo tajruba raha ki kahin na kahin hum apni personality, our own personality is formed by ourselves. Jo aaj main hu, I am accumulation of 45 years. मैं 45 सालों का एक जोड़ हूँ. This is my physical body and whatever intellect I'm carrying, your knowledge or whatever you say, that is what I know, my perception, isn't it? I create this world. In the morning when I open my eyes, this world becomes alive, and I start meeting people. I for example, I came here. And all of a sudden I said, okay, what kind of audience it is? Oh my man, these are really, really highly intellectual. Oh no, these are, I think underage. Oh no, they are graduate, postgraduate. Skeptical? No, they must be receptive. No. So this is all my own perception. And if I believe that this is wonderful audience, young crowd, full of energy, bubbling, ready to learn, rather today, Dilbagh, you will be learning from these people, because I always learn. More I learn, less I know. More I learn, less I know. This I have understood in my these 45 years, because 5-6 साल पहले मुझे लगता था मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं शायद कुछ भी नहीं जानता हूँ. Not mere an even tip of an iceberg. So, my dear friends, if I talk about industry. I have worked with people from Ericsson, good industry, almost 182 countries mein ke offices hain. So been to a number of places and working with Hindustan Unilever, creating leadership workshop for them, and those all were like you only with 10 to 15 years of more experience. So after working with them also, what I have realized, they also like these kind of pure qualities. You may get a job
with your personality, but you may not sustain it, isn't it? This is very important what I can say you. You may get a job by faking yourself, by walking straight, by shaking hand. You can learn these old tactics. You buy LNPs, which I studied, I think, 20 years back. So you buy this book and you learn how to shake, how to walk, how to sit, how to stand, how to make your gestures, postures. You can fake anyone, but you cannot fake yourself. You see yourself in mirror every day. Every day you see, you know very well that what persona do you carry? Introvert, extrovert, lack of confidence, high self-esteem, low self-esteem, part of your personality. But what is character? Yes. What is character? That is very important. Can anyone define or tell me what is the difference between personality and character? Yes. So personality is something that we try to show, try to make. But character is something that we originally are from inside. Okay. So I think character would be shown by how you react to certain things. True. That shows your character. Good. Good answer. What's your name? Manminder. Khade hoye par. Good personality, isn't it? I'm impressed. पर आप यहाँ तक मुझे आपका नाम क्लियर नहीं सुन रहे फिर भी देखो अभी भी मनमिंदर सिंह एंड ऑलवेज प्रोनाउंस योर नेम बिकॉज दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी बाकी तो अभी आपकी क्या आइडेंटिटी है वो आप आने वाले 4-5 सालों में 6 सालों में अपने आप एक्सप्लोर कर लोगे बट जब भी अपना नाम लेना उसे पूरे है ना क्लैरिटी के साथ मैं करता रहा हूँ ऐसे ही बचपन से ना व्हाट इज योर नेम दिलबाग व्हाट्स योर नेम दिलबाग व्हाट्स योर नेम मतलब जितनी बार उन्होंने मुझसे पूछा उतनी बार मैं और जितना वो नजदीक आए है ना व्हाट्स योर नेम श्रीकांत वो कहता इससे आगे ज्यादा बड़े मैं पैनिक बता दूं ऐसा मैंने बीइंग अ स्कूल टीचर मैंने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ वो जितना मैं उसके पास आता जाता हूँ बच्चे के वो और धीमा और कभी कई बार हम पढ़ है ना वी वर अटेम्प्टिंग पेपर और टीचर जैसे आ रहे हैं ना तो जैसे ही खड़ा हो गया हम एकदम से स्लो वो भी नहीं हटते पीछे ही पड़ जाते हैं वो ऐसे एकदम ना वॉक की तरह फिर हम भी ना धीरे से क्या करते हैं ये हाथ ऊपर रखते इजंट इट दिस इज वेरी वो भी नहीं हटते बार बार ऐसे ना जैसे क्या है और एकदम दिल की धड़कने बढ़ जाती है और एकदम हम क्योंकि कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम जो मेरा बिलीफ सिस्टम है यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू मैंने बताया उपदेश नहीं मैं दे सकता हाँ चीजें शेयर कर सकता हूँ एनीवन एल्स इन्होंने दो चीजें बताई कोई और पर्सनालिटीज व्हाट यू आर आउटर सेल्फ आउटर ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स योर कैरेक्टर्स व्हाट योर इनर ब्यूटी व्हाट योर इनर सेल्फ योर कॉन्फिडेंस गुड क्लैप फॉर दीस टू आप इतने एनर्जेटिक हो कि इसके बिना आप बात कर सकते हैं कुछ भी नहीं है ये एक दिन 200 लोगों को एड्रेस करोगे बिना माइक के यस This is good. Very good. What's your name? Akanksha. Sir, I wanted to add one thing more that character is something associated with mass, and the personality is something you want to show to the mass. Character is associated with the mass. Good. Every answer is right. Do you know this? मैं तुम्हें एक आज डिफरेंट बात बताना चाह रहा हूँ याद हमेशा याद रखना एवरी आंसर इज राइट और दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग रॉन्ग इन द स्कूल्स लेकिन जो आईबी पैटर्न पे स्कूल्स हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं लेकिन जो हमारे स्कूल से टिपिकल मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ लेकिन उस स्कूल के प्रोडक्ट के बाद मुझे 10 साल लगे उस कंडीशनिंग से बाहर निकलने के लिए इट्स रियली रियली ग्रेट मिजरी कि आपको 10 साल लगे उस चीज से निकलने में मुझे नहीं मालूम मैं गलत हूं या सही मैं अपना
शेयर कर रहा हूं, आप उसे सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ओके. फॉर एग्जाम्पल, समबडी केम फॉर द इंस्पेक्शन एंड इंग्लिश बोल रहा था वो, तो जिनको बहुत अच्छी नहीं, मुझे अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी, तो अभी भी नहीं है, तो उसने आके कहा कि ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर. अब जब उसने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर, सो जो दो तीन मेरे जैसे बैठे थे ना, वो कहते करियर मजाल नहीं, वो स्कूल तक पहुंच जाए. मेरा बच्चा साथ ही में पढ़ता है, 11 ईयर्स ओल्ड है, उसकी मम्मी भेज ही नहीं रही. मैं उसको कहता तो जाने दे इसको, लेट हर गो, बाइसिकल पे, पैदल नहीं. और एक दिन वो ब्रेड लेने गई, वापिस आ गई 15 मिनट बाद, पास ही मार्केट है, बिल्कुल स्टोन्स थ्रो, जस्ट बिल्कुल पास. पापा डॉगी था. है ना, हुंडा फिर यही कोई गांव का बच्चा हो और सीधा जाता है, कहना आ जाओ, उसके पीछे वो भागेगा, आ जा आ जा आ जा. यहाँ अपने शहर में वो देखा नहीं तो सड़क ही है, वो सड़क ही नहीं क्रॉस कर पा रहे. 10 साल का बच्चा है, वो फिर कोई भी होगा वो सीधा कहेगा एक मिनट रुक यार, दिस इज सम, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बेसिक इंटेलिजेंस. मैथमेटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री. बट जितने नाम मैंने लिए अभी, विक्रम बत्रा, अजीम प्रेम जी और मिस्टर एपीजे कलाम, ये सब लोग शायद आईक्यू में बहुत नॉर्मल थे, एवरेज थे, उनकी स्कूलिंग ही बताती है. देवर नॉट 120, 130, 140, इट सीम्स देवर समवेयर नियर 110, 120, बहुत ठीक है, ओके, दिस इज जस्ट अबव एवरेज. बट लुक एट द स्ट्रेंथ व्हाट दे गेन्ड इन देयर लाइफ. सो उसके बाद दूसरा सवाल फिर पूछा उसने, कहा ओके, जब टीचर को पता चलता है ना कि मैं डोमिनेटिंग हूँ, तो और उसका ऑरा बढ़ जाता है, और शेर की तरह हो जाता है. देखा है ना, देखो वो ऐसे हो जाता है, देखा सब बकरियां हैं, जानते क्या हो तुम, मालूम है डॉक्टरेट की है बच्चा, कल का पता नहीं, अभी 5वीं 10वीं भी पास हो कि नहीं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर, तो इन जैसे एक कॉन्फिडेंट आदमी था, उसने हाथ खड़ा कर दिया, है ना, दस सर. और मेरे पापा मेरी मम्मी को साइकिल के पीछे उठाते, उसको कहते हैं कैरियर, शट अप, सिट डाउन, यू फूल, सिट डाउन. ही सेड करियर, करियर ना, ही रिलेटेड, वो रिलेट कर गया ना, अभी अब जितना जानता है. अब उसने जैसे ही शट अप कहा, वो उसके यहाँ पर प्रिंट उसकी कहीं उसके अंदर आत्मा में अंदर चला गया कि शट अप, सिट डाउन, स्टॉप इट. And then again he said, what is the meaning of career? He was right. Yeah, he was right from his point of view. He should have at least encouraged him ke, okay, yes, good, very. Aur baad mein usse wo bahut easily, hum kisi bhi tarah ek 5 saal ke bacche ko kya aap 50 saal ke ko bhi agar aap mein samajh hai to aap usse bade easily chala sakte hain, mold kar sakte hain, usse samjha sakte hain. Lekin uske belief ko nalayak, maine us word se shuru kiya, nalayak, stupid, अंडरअचीवर, तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, यू नो. वो तो हमने सबसे पहले देखा, क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट तो यहाँ है ही नहीं है. आप तो यूं करते थे, क्या बनेगा मेरा बच्चा आज, डॉक्टर, डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर इंजेक्शन लगाऊंगी, फिर मैं तुम सबको, खड़े हो जाओ, ठीक है, इंजेक्शन लगाओ, चलो श्री. नाइन्थ में जाके पता चलता भाई साइंस की तुम्हारे बस की बात. वो पहला झटका वही लगता है, थका. उससे पहले बेटा नॉन मेडिकल होके और मेडिकल डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको नाक साफ नहीं करना आ रहा अभी. डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना. अगेन दिस चाइल्ड, अगेन ही सेड ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर. अगेन ही टुक करेज, ही टुक करेज की पहले पास वाले को कहता कि क्या कह रहा है, कहता पता नहीं साड़ी पड़ोस की माजो का नाम करिया करिया. बट एनी हाउ ही टुक द करेज अगेन. ट्रकों के ऊपर लिखा होता है जी गुड्स कैरियर. अगेन रेप्रिमेंडेड, सिट डाउन, आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर. ऑल ऑफ सडन 70% ऑफ द क्लास, ओ यस, अ डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, आर्मी, नेवी, यस यस, आई आई न्यू. बट The moment he started raising hand, kept it down. लोग क्या कहेंगे?
हंसेंगे, तुम गलत हो, everybody will laugh, not on your face, at your back. So don't speak much, speak only what you know. जितना जानते हो उतना बोलो. जबकि real life में 90% questions are open questions, only 10 questions are closed questions. Open question simply means they have as many answers as you can. जितने सवाल उसके जितने आप जितने उतने उसके जवाब हो सकते हैं. So हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी जवाब दो, सिर्फ ये सोच लेना कि ये relevant है, मैं कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा हूँ, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं यूज कर रहा हूँ, इररेलेवेंट बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल अपना एक ओपिनियन रखना चाहता हूँ. क्योंकि कल जब आप इंडस्ट्री में रहेंगे, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में लैंग्वेज स्किल्स भी आते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी आते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, दोज ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आई हैव कम हियर टू गिव यू अ डिफरेंट स्किल विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Your own belief system, your own belief that what can I do. In fact, what I say to my students who lost every hope, one is word impossible. The moment you are aware, I am possible, disintegrated, I and then am and then possible. One is impossible and other is I am possible. You can reach any height in your life. Sridharan, Mr. Abdul Kalam, Warren Buffet, Vikram Batra, and thousands, you know, Mrs. Kocher, ICICI head, you know, and you name it and you keep on, Mr. Manmohan Singh. What talk about Mrs. Smriti Rani? Unhone kabhi socha tha ki wo education minister ban jayengi, but she is, this is the fact. Sachai hai ki wo aaj 130 crore logon ke desh mein 5 सालों की टर्म के लिए शीज, और जबकि वो एक उनका बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन था. व्हाट आई मीन टू से, आप जानते ही नहीं हो, अभी मैं अपनी बुक ले लाई, कहलील जबरान, नाम सुना था आपने, ही सेड दैट चिल्ड्रन कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, दे बिलोंग टू यू बट दे आर नॉट ओनली यू. डोंट गिव देम योर एक्शन, डोंट गिव योर थॉट, लेट देम प्रोसीड इन देयर ओन डायरेक्शन. सो व्हाट आई मीन टू से माई डियर फ्रेंड्स, व्हाट टुडे बिलीव tomorrow you are going to achieve. Just you need to believe that you are not only and only name, rather you are a leader. This message I can give you because I don't want to be more and more philosophical, because this is not your what I want to discuss. I want to say that if you believe that I am a leader, I do have enough capabilities to carry on my dreams, then you can definitely manifest your dream. What I personally believe, you must manage your emotions properly. One is IQ. Have you heard about IQ? This is intelligence quotient. And other is EQ. Suna hai iske bare mein? Usse pehle personality and character. Anyone else? Yes. Participate kijiye, that is more important. Sir, character is what you are when you are alone at home, and personality is what you show up to the world. Good. Good, different perspective, different perception. Yes, anyone else? Why not others? मत घबराओ, वो कैरियर वाला कोई नहीं यहाँ पर है. आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ओके, प्लीज. यस प्लीज, आप बैठे हैं इतने. एनी आइडिया? यू यंग मैन? यस. According to me, character is what a small child inherits from his parents, what he learns in his family, because when he is small, he has no intellect of his own. What he will be taught by his parents, what he will look around himself, that is his character, that is his moral values. And personality is what he develops of his own when he grows up. That is personality. Good. Clap for this also. Now I can ask. Little bit I can simplify it. All of you have given wonderful answers, right answers. Again I'm telling you, right means this what you have learned so far, thus this what I could teach you so far, simply.
मैं एक टीचर हूं तो आई कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो आप आज जानते हो उसमें कहीं मेरा भी योगदान है. जितना जानते हो आई मस्ट एक्सेप्ट बीइंग अ टीचर बिकॉज व्हेन एवर आई ट्रीट एनी एडिक्ट. हालांकि मैंने उसे कभी नहीं पढ़ाया. मैं ये जानता हूँ कि इट्स अ बायोसाइकोसोशल प्रॉब्लम. फर्स्ट इट स्टार्ट फ्रॉम द सोशल एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. सो समवेयर जैसे इस रोड पर चाहे मेरा आधा पैसा ही लगा हो मेरे टैक्स का हाफ पैसा ओनली हाफ कि हाँ इस रोड को जब बनाने में मैंने अपनी गाड़ी का 10,000 टैक्स दिया था तो इस रोड को बनाने में एक पैसा या आधा पैसा या 0.25 पैसा 0.1 पैसा लगा. उसी तरह मैं ये जानता हूँ कि अगर आज आप जो भी जानते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीइंग अ टीचर मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. राइट इजंट इट. सो व्हाट यू लर्न इट्स ओके बट पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर आप याद रखेंगे. आप आगे से जो आपने कहा उन सबका एक निचोड़ है. जो सही कहा सभी ने सही कहा. पर्सनैलिटी सिंपली मीन्स मास्क इजंट इट. इट्स अ मास्क एंड वी वियर इट. अग्री. यू आर एट होम सो परहैप्स यू विल बी गोइंग होम एंड putting off your shirts and even your trousers and then jumping on sofa or bed and then start oh padhi le ade isn't it. aur yahan par aati hello sir how are you kaise hain aap good sir I have been trained in hospitality thank you and this is what personality ko agar aur easy simplify kar sakta hu main to building jo aap ye dekh rahe hain the whole facade building this is somehow you can just use it metaphor this is personality LAW looks actions words you speak isn't it. looks I'm wearing this necktie I'm wearing formal clothes it's a part of my looks. ghar pe shayad main pajama kurta dalta hu aur raat ko perhaps undergarments mein bhi sota hu koi doesn't matter you know. so this is what L law law of personality looks action oblique attitude bhi kar sakte hain attitude and then words the language you speak. sometimes you see these punjabi guys are very you know very handsome. have you seen them ke thar jeep aake rukti hai aise usme raven ke glasses lage hote hain wo pidi pidi panta paiyan hundi hai hai na tall aam uchhajkar mustache saloon bhi ban gaya mujhe pata chala hai na. और उसमें से वो आदमी यूं निकलता स्लो मोशन में ऐसे अजय देवगन की तरह है ना यूं आ रहा होता है फ्लोइंग कोट एंड वो कॉगल्स यूं उतारता है एकदम से कैमरा करता और दस सुना पानी दिया बोतल कट ले आई और खड़ी यार तू गलत था सुना इधर आप एंड ऑल ऑफ सडन यू से ओ ये क्या था है ना. अचानक वो सनी देओल की पर्सनैलिटी उसका यूं उतरना है ना वो गुची के कपड़े और यूं स्टाइल से आना और यूं खड़े होना और है ना ओ यार करौड़ तो बड़ा चंगा इत्थे दा है तू कहंदे आ आ तू है ना. अब बॉक्स खोलते ही अंदरों की मैटर बिकॉज़ द वे यू स्पीक इट टेल्स योर दिस इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एंड दिस पर्सन कैन बी रस्टिक डजंट मैटर ही कैन बी वेरी जेन्युइन बट द वे ही इज स्पीकिंग दैट इज टेलिंग द काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही कैरीज. सो पर्सनालिटी इज जस्ट लाइक फसाड द बिल्डिंग the infrastructure the looks actions the way you sit the way you talk the way you behave you know. and there are some traits also for example introvert extrovert isn't it. low self esteem high self esteem lack of confidence high confidence these all part of confidence and I mean personality you always learn from your own family isn't it. aap apni family se hi to seekhte hain. Sometimes everybody says that he stands like his father. कहीं ऐसे खड़े होते हैं. Somebody stands like this, so body posture becomes like this. And somebody always stands like this, and all of a sudden you become like this also because you see people around you. You see people around you, and this is the way you build your personality. So personality tree. You see these trees. If you see the whole tree, it's the personality. Now if I come to character, these are the moral. values moral values. if I talked about tree is personality roots are character. if this building is personality foundation is character.
also the character, if I talk about a tree? This can be result of the personality, the roots, the tree, fruits means consequences, what you have produced out of it. Definitely, what personality you are today, what contribution you are going to. Fruiting is simply means contributing. आप धरती में एक दाना फेंकते हो वो 100 दाने वापस करती है आप एक बीज लगाते हो एक ट्री 100,000 फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है दैट इज कंट्रीब्यूशन एंड लेटर ऑन अगेन दैट सीड गोज इनटू द अर्थ एंड अगेन इट बिकम्स अ ट्री अगेन इट गेन्स रूट्स एंड अगेन इट रेज यू नो हाइट सो सेम वे इफ आई टॉक अबाउट दिस बिल्डिंग फाउंडेशन कैन स्टे विदाउट बिल्डिंग अग्री बट बिल्डिंग पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पर फटाफट लाकर हाँ कुछ दिनों के लिए बच्चों की तरह वो घरौंदा खिलौना मैं बना सकता हूँ 10 दिन 20 दिन 25 दिन थोड़ा सा तूफान आया किसी ने धक्का दिया वो गिर जाएगी लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है और आपने देखा है बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उसकी फाउंडेशन उतनी बेसमेंट बनता है उसके प्रॉपर उसकी ग्रिलिंग है उसका पूरा कंक्रीट से एक उसी तरह जड़ है जितने भी ट्रीज लंबे समय तक जीते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है बहुत क्योंकि दिस इज द ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू फीड और दिस ट्री इज गोइंग टू फीड दिस यू नो पर्सनैलिटी जो उसने उसको ग्रो किया है सो इफ आई टॉक अबाउट कैरेक्टर तो फिर जो स्टीफन कवी कहता है ना नाम सुना होगा स्टीफन कवी 7 habits of highly successful and highly effective people not successful he used word so Stephen Covey wonderful person he wrote this book in 1990 1990 में उसने पढ़ी दी थी और जब मैं मास्टर्स कर रहा था आई रेड इट इन 92 बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ आफ्टर मेनी ऑफ यू नो एटलीस्ट 2 decades आई रेड इट अगेन एंड केम टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज यू नो ही टॉक अबाउट कैरेक्टर स्ट्रेंथ ही टॉक्स अबाउट समथिंग व्हिच इज रियल ही टॉक अबाउट ऑनेस्टी इंटेग्रिटी ट्रूथफुलनेस ओपननेस यू नो दीज ऑल थिंग्स इफ आई से हाउ ऑनेस्टी open-mindedness and willingness so these are character for example if I talk about integrity to jitne man maine naam liye agar aapki personality ki baat hoti hai if I say Katrina Kaif so you say personality wow you know this is and then personality can be padded also most of the personalities are nowadays padded thigh pads butt pads I mean front pads back pads personality upar se bahut badhiya kapde isn't it if I say okay Salman Khan So he moves like this, you know, oh, you don't know, out. So this is personality. If I say, Mr. Kalam, one of say, we call personality, but this is not the exact. It's a character. You say character. What a character he is. No doubt in open language, English permits you to use word personality also. But if I just separate it, then you say, wow, what a character. What a character. So sometime personality word is used as a whole and it's not wrong you can use those words but if you see you read it separately and deeply then you say Kalam is a character Warren Buffett character Bill Gates character Ratan Tata you know what a marvelous person he is philanthropist yes this is his characteristic yes. philanthropist is characteristics generosity is characteristic kindness is characteristics bravery is a characteristics bold These all are, you know, अभी इसी हॉल में हम जितनी बातें कर रहे हैं अचानक ही कोई अलार्म बेल बजे परमात्मा न करे ऐसा कुछ हो पर अचानक कहीं से धुआं उठे और ये हो जो सबसे पहले तो दौड़ेगा वो कहेगा निकल लूं मैं दिस इज कैरेक्टर अब ये निकल रहा है सबसे पहले ही ना कि बाकी जिसको होना हो जाए कुछ मैं निकल लूं सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट कैरेक्टर नीरजा भनोट कैरेक्टर इसमें भी मूवी बनी है सो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर आई एम गोइंग टू लीव आई विल बी द लास्ट पर्सन टू लीव दिस एयरक्राफ्ट आई मे डाई बट आई एम गोइंग टू परफॉर्म माई ड्यूटी सो एंड इफ यू टॉक अबाउट नीजा सो दिस कैन बी पर्सनैलिटी एज वेल एज ट्रेट बोथ कैरेक्टर ऑल्सो सो एन अनएजुकेटेड पर्सन कैन कैरी अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एन एजुकेटेड पर्सन कैन कैरी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बट यू ऑल कैन कैरी बोथ पर्सनैलिटी as well as character because both can be acquired otherwise Eric Burns says that we learn these things till the age of 5 5 saal tak hamari personality it's formed ho jati hai ban jati hai aap mein se kisi ko yaad hai aap bed se pehle kab utre the sabse pehle kisi ko to yaad hoga kisi ko nahi kaise possible nahi
कितने साल के रहे होंगे? अरे 4 साल. गुड गुड. देखो उसे अपने याद है.